मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बीच मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में आमने सामने भिड़ंत रही है। साल 2010 के चुनाव में तो इनके बीच भारी जद्दोजहद हुई थी। सिंधिया उस वक्त केंद्र की कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री थे, तो कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश की बीजेपी सरकार में इसी विभाग के काबीना मंत्री का ओहदा संभाल रहे थे। भारी खींचतान के बीच हुए इन चुनावों में सिंधिया ने एमपीसीए अध्यक्ष पद पर विजयवर्गीय को 70 वोटों से हराया था। उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटा नेता बताया था, लेकिन वो चुनाव सिंधिया के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी था। अब सिंधिया की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने से कई सियासी समीकरण बदल गए हैं। अपने पहले इंदौर दौरे के दौरान वो कैलाश विजयवर्गीय के घर जाने की खबर, जहां दोनों नेता बैठकर अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर, लेकिन कांग्रेस इस मुलाकात को महज औपचारिकता बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि एमपीसीए की खाई को पाटने के लिए सिंधिया जरूर कैलाश विजयवर्गीय के घर जाए, लेकिन ये खाई पटने वाली नहीं है, क्योंकि रमेश मेंदौला के मंत्री ना बनाए जाने के पीछे सिंधिया का हस्तक्षेप भी माना जा रहा है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय गुट का सिंधिया को मन से स्वीकार कर पाना मुश्किल है, जिसका असर उपचुनाव पर भी दिखेगा। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और स्थानीय बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच निजी मनमुटाव कभी नहीं रहा। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे पिता और सिंधिया में निजी तौर पर मनमुटाव कभी नहीं रहा, उनके बीच के निजी संबंध हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।